अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। देखिए आज मैंने क्या बनाई हूँ आप लोगों के लिए, गेस्ट करें। ये देख सकते हैं मज़ेदार सी, देखें हरा भरा भुना कलेजी। ये चिकन की कलेजी है और आप चाहें तो यही जो मैंने बताई हूँ आप मटन में भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से बनाना है फरजाना की किचन में। अब ये बन के रेडी है और आइए मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से बनाना है। इसके अंदर मैं हाफ लेमन भी डाल दूँगी अभी, ठीक है। और अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करा करें अपने फ्रेंड और फैमिली में। आइए देखते हैं किस तरीके से बनाना है, इजी और क्विक। ये देख सकते हैं आप लोग कितनी भुनी और मज़ेदार सी कलेजी है। इसमें मैंने एक टिप बताई हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो जहाँ भी हो, हंसते बसते खुश और आबाद रहे, अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में हो। अल्लाह आप सबकी मुश्किलें परेशानियों को दूर करे, अल्लाह सेहत और आफियत के साथ में ज़िंदगी अता करे। अल्लाह जो भी हमारे दिलों के हाल है बेशक मेरे अल्लाह तू जानता है, जो भी हमारी मुश्किलें हैं हम जो तेरे अलावा किसी को नहीं बता सकते। जितने भी हमारे भाई बहनें हैं मौला परेशान हालतों में, जॉब के लिए, बीमारी के लिए, कर्ज़ों के लिए, तमामों की मुश्किलात को परेशानियों को दूर अता फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन। चले आइए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ मैं आज हरा भरा कलेजी बनाना बता रही हूँ। भुना कलेजी मेरे चैनल पे डाली हुई है, जिसने भी नहीं देखा है तो जाके देख ले। और प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ज़री भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है आपको तो लाइक करें और वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करें। बहुत मेहनत लगती है लेकिन क्या करें, आप लोग वीडियो वॉच नहीं करते, 2 से 3 मिनट देख के कमेंट करके चले जाते हैं। तो मैं आप लोगों को सही में बोलती हूँ हाथ जोड़ के कि मेहनत किसी की ख़राब नहीं करें प्लीज़। बहुत तकलीफ़ होती है और बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में भी, चाहे हमारी तबीयत अच्छी हो या ना हो, हम आप लोगों के लिए वीडियो इसलिए ले आते हैं कि यह हमारी यूट्यूब फैमिली हमारा वेट करेगी करके। तो प्लीज़ अगर आप लोग सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो सपोर्ट करें। आपका कोई पैसा नहीं लगता है, ना आप YouTube चलाते हैं तो उससे आपको कोई पैसा लगता है, ना हमें कोई पैसा मिलता है, लेकिन हमारे को आपके प्यार भरे कमेंट से और लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ सपोर्ट मी। आइए देखिए, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 2 प्याज को चॉप करके रखी हूँ, ये दही है और यहाँ पे हम मसाला बनाएंगे हरा भरा कलेजी के लिए। जिसके लिए देखें यहाँ पे मैंने कोथमीर को अच्छे से धो ली हूँ, मिट्टी होती है। यहाँ 1 चम्मच ज़ीरा ली हूँ मैंने और यहाँ पे मैं लूँगी लहसुन, ठीक है, ये 8 से 10 लहसुन के टुकड़े ली हूँ मैं। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लूँगी, इसको मैं छील के मिक्सी में ग्राइंड करके लेके आती हूँ फिर। और ये देख ले आप पहले, ये देखें ये आपको जो दिख रहा है ना, ये देखें तो ये दूध है। ये एक ट्रिक है मेरी कि मैं कलेजी हमेशा 2-3 पानी से धोने के बाद 1/2 कप दूध के अंदर 1 घंटा भिगा देती हूँ। इससे मेरी ट्रिक अगर आप आजमा के कलेजी बनाएंगे तो यकीन मानिएगा जो कलेजी नहीं भी खाता है वो डेफिनेटली कलेजी का फ्रेंड हो जाएगा। देख सकते हैं ये दूध का कलर, क्योंकि इसमें पूरा बिसान निकल गया है। इसको मैं अभी 5 से 6 पानी नल के नीचे वॉश करके फिर आपको बताती हूँ। देखें मसाला जो मैंने आपको बताई थी ग्रीन मसाला, ये पीस ली और मैं कलेजी को भी एकदम अच्छे से वॉश कर ली हूँ। देख सकते हैं आप लोग कितनी क्लीन, इसमें अभी बिल्कुल भी ब्लड नहीं है, देखें बिल्कुल भी ब्लड नहीं है। आइए बनाते हैं और इसका टेस्ट भी इतना अच्छा होगा ना, ये हार्ड नहीं होगी, एकदम जूसी होगी। ये मेरी ट्रिक ज़रूर आजमाना जो मैंने आपको मिल्क डालने का बताई हूँ, और बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं आएगी। देखिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तेल रख दी मैं इसमें, 4 से 5 काली मिर्च डाल दी हूँ और इसमें हम डालेंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा। इसमें मैं डालूंगी 1 इलायची, 1/2 ज़ीरा, 1/2 चम्मच ऑयल के अंदर थोड़ी स्मेल आ जाएगी। तो जब हम देखें ये चॉप करके मैंने 2 प्याज रखे हूँ, ये डाल दूँगी। ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी एकदम मेरी तरीके से। इसको जलाना नहीं है,
देखिए इस तरीके से हो चुकी है, तो मैं अब इसके अंदर डाल दूँगी कलेजी, जिसको हम फ्राई कर लेंगे इसके साथ में। नमक का यूज़ करूँगी, देखिए बिस्मिल्लाह रहीम, मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें, कोई ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है, मेरा नमक बहुत कम खाते हैं। इसमें जाएगी हल्दी पाउडर, इसमें जाएगा धनिया पाउडर 2 चम्मच, खाली लाल मिर्च नहीं डालेंगे हम, जो ये हरा मसाला पीस के मैं डालूँगी ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। अच्छे से भूनना है इसको, आपको ज़रूर ट्राई करिएगा ये हरा भरा कलेजी एकदम मेरी तरीके से, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। अच्छे से भून रही है, इसके अंदर जो दही है वो डाल देंगे, इसके अंदर टमाटर वगैरह नहीं जाएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा एक टाइम मेरी तरीके से। आप रोटी पराठे जिसके साथ में भी खाना चाहें, हमने इसके साथ में पराठे बनाए हैं। इसको ढक के रख देते हैं 5 से 7 मिनट, अच्छे से मसाला भून जाए। हो गया है मेरे को ढक के रख के कलेजी, ये देखें, अब मैं इसको फास्ट कर दूंगी और जो इसके अंदर पानी है सब सुखा दूंगी, और 3 हरी मिर्ची लेके बीच में से मैं इसको इस तरीके से कट करके डाल दूंगी। और मसाले में सॉरी, मैंने वो जो हरा मसाला बताई थी तो उसमें भी मैंने 5 से 6 मिर्ची पीसी थी, वो स्किप हो गया मेरे से। अब जितना खाते हैं तीखा पीते, उसमें लाल मसाला तो जाता नहीं है, अब इसमें जाएगा गरम मसाला, ये पिसा हुआ गरम मसाला है मेरे पास में, ये डाल दी मैंने, ये मेरे घर का मसाला है, इसकी डाल के ऐसी मज़ेदार खुशबू आ गई है इसमें। ओके, मैं 5 मिनट से इसको भून रही हूँ, अब इसमें जितना पानी था वो बिल्कुल भी खत्म हो चुका है, अब ये खाली भुना मसाला और कलेजी है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा हरा मसाला भुना कलेजी मेरे स्टाइल में। ये देखें, और इतनी सॉफ्ट कलेजी है ना कि आप यकीन नहीं मानेंगे, ये किस चीज़ से, जो हमने दूध के अंदर इसको भिगाए थे ना उस वजह से, ये देखें देखें कितनी सॉफ्ट, और अंदर से देखें कितनी वाइट है, देखें मैं तो कलेजी ब्लैक दिखती है, ये दूध में भिगाएंगे ना तो ऐसी हो जाएगी। आइए मैं इसको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ, ये हो गई है, इस पर हम डाल देंगे थोड़ी सी कटी हुई कोथमीर, देख सकते इसका लुक देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। फ्रेंड बन के रेडी हो गई है मेरी चिकन हरा भरा कलेजी, कैसी लगी आपको ज़रूर बताना, और कितनी सॉफ्ट है ये देखिए आप लोग, ये दूध में भिगाने की वजह से इतनी सॉफ्ट है, ये देखें, और अंदर से भी ये बिल्कुल भी ब्लैक नहीं रहेगी, वाइट ही दिखेगी आपको, बहुत टेस्टी बनी है। आप पराठे के साथ में इसको सर्व करें,
और अपनी बहन को दुआओं में याद रखें। वीडियो को फुल वॉच करें और अपने फ्रेंड और फैमिली में मेरा वीडियो शेयर करें। इंशाल्लाह फिर कल मिलती हूँ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। एक लुक देखें इसका आप।